राजस्थान में भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल का पहला पूर्णकालीन बजट 10 जुलाई को पेश करेगी। इससे पहले 3 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। संभावना है कि सत्र में कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर भजनलाल सरकार को जमकर खेल सकती है। सियासी जानकारों का कहना है कि विधानसभा सत्र काफ़ी हंगामेदार रह सकता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए जो चक्रव्यूह तैयार किया है उसको भाजपा कैसे भेद पाएगी। सियासी चर्चा है कि इस बार भजनलाल सरकार के पास कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने वाले मजबूत नेताओं की कमी है। भाजपा के पास उनके 3 मजबूत नेताओं की तिकड़ी इस बार साथ नहीं है। ऐसे में सरकार सदन में अपने अनुभवी नेताओं की जगह नए लोगों के साथ मैदान में उतरेगी। ऐसे में देखना होगा कि भजनलाल सरकार कांग्रेस की घेराबंदी को किस तरह से तोड़ पाएगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार में पार्टी हाईकमान ने नए चेहरों को मौका दिया है। वहीं इस बार भाजपा ने अपने नए खिलाड़ियों के दम पर विधानसभा का रन जीतने का प्लान तैयार कर लिया है। भाजपा को इस बार अपनी मजबूत तिकड़ी गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया का साथ नहीं मिलेगा। इसके चलते भाजपा को अब दुगनी मेहनत के साथ कांग्रेस के सामने उतरना होगा ताकि कांग्रेस के हमले का कड़ा जवाब दे सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बनाए जा चुके हैं। दूसरी तरफ सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ विधानसभा चुनाव में पहले ही हार कर चित हो चुके हैं। लिहाजा भाजपा को इस बार अपने 3 मजबूत नेताओं का साथ नहीं मिल पाएगा। 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस भाजपा को नीट पेपर लीक, मंत्रियों के विवादित बयान, ERCP योजना, चिरंजीवी बीमा योजना, नई जिलों, नगर पालिकाओं के रिव्यू, प्रदेश में गहराई बिजली संकट सहित कई मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी कर चुकी है। वहीं भाजपा को इस बार अपने 3 मजबूत नेताओं का साथ नहीं मिलेगा, जबकि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट, हरीश चौधरी समेत आधा दर्जन मजबूत और अनुभवी नेता हैं, जो भाजपा को अपने हमले से पस्त कर सकते हैं। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में अनुभवी लोगों की बात करें तो केवल किरोड़ीलाल मीणा और मदन दिलावर दोनों अनुभवी मंत्री हैं, बाकी अन्य सभी लोग पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में सांसद रह चुकी दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौड़ भी हैं, जो अपने तेज तर्रार तेवरों के कारण काफी सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस को टक्कर देने के लिए इस बार भजनलाल सरकार का दारोमदार किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी की तिकड़ी होगी, क्योंकि मदन दिलावर भले ही अनुभवी मंत्री हैं, लेकिन इन दिनों अपने विवादित बयान को लेकर दिलावर कांग्रेस का खूब निशाना बन रहे हैं। उन्हें तो कांग्रेस अपनी घेराबंदी से निकलने का मौका ही नहीं देगी।